अनंत प्रभु की मैथमेटिक्स अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जो आप लोग नर्सरी के बच्चे देख के, जितने वैज्ञानिक हैं सब नर्सरी के, वे डर जाते हैं। नर्सरी के बच्चों को किसी पीएचडी की कोई मैथमेटिक्स दिखा दे तो क्या कहेगा, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम सर्वज्ञ प्रभु की यह गणनाएं, अलौकिक विद्याएं, अलौकिक गणित को आपके सामने रखते हैं तो हमें लगता है, बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं अरे ये पता नहीं क्या है। आप समझ में आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ होगी क्या? बाल जितने आएंगे उतने ही आएंगे, उसके असंख्यात भी टुकड़े उतने ही होंगे, एक भी बाल कम ज्यादा। इसलिए जो ये गणनाएं कही जा रही हैं इसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो हमने असंख्यात द्वीप समुद्र देखे थे, और उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में एकाध कम ज्यादा हो जाएगा, तो कहा नहीं 3.5 लाख, 1 लाख नहीं, 99,999 नहीं, कौन सा लाख माने? असंख्यात बोल दिया, तो कौन सा असंख्यात माने? तो हमारे आचार्य भगवान ने कहा कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में 3.5 उद्धार सागर में जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या होती है उसका नाम असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या है। बात समझ में आ गई? 3.5 लाख से समझ लीजिए, 3.5 लाख बोला ना, तो 3.5 लाख में एक भी ज्यादा नहीं होगा समय, एक भी कम नहीं होगा। हम गणनाएं आप मस्तिष्क में बैठती जा रही हैं, नहीं बैठ रही, बैठ रही नहीं बैठ रही। देखिए अभी आप समय की इकाइयां भी ऐसे ही नापते हैं बेटा, उन्हें परमाणु घड़ियां चल रही हैं जिसको स्टैंडर्ड बनाया गया। आपकी घड़ी से सेकंड नहीं होता, ध्यान रखना कैलाश जी, जितनी देर में एक सेकंड का खांसा खिसक सकता है उसका नाम सेकंड है ना, उसका नाम सेकंड है ना? बिल्कुल नहीं है, उसका नाम सेकंड नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड बनाया उसके अनुसार खिसके तो ये स्टैंडर्ड, नहीं तो हर सेकंड में जरा जरा सा बढ़ाते जाइए। 24 घंटे में घड़ी कुछ 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 आगे भाग जाती है, कुछ पीछे भाग जाती है। अगर थोड़ी सी भी गलती है तो ये घड़ी सही हो सकती क्या? और होती ही है गलती, तो इसलिए सारी घड़ी थोड़ी थोड़े दिन बाद थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड परमाणु क्लॉक है उसमें भी अंतर आता है। परमाणु क्लॉक बोली है कि परमाणु क्लॉक में कितने में वह परमाणु वाइब्रेशन करता है, वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन करता है, लेकिन जब बहुत लंबी गणना हो जाती है तो उसमें भी कहते हैं इतनी माइनर एरर उसमें भी आ जाती है जो आप नहीं पकड़ पाते, उसको भी माइनर एरर के रूप में वहां पर गणित गणित किया गया है। वहां क्योंकि विज्ञान की सीमाएं हैं, वहां पर थोड़ी ना थोड़ी गड़बड़ आ ही जाएगी, लेकिन जिन आगम की इन गणनाओं में उतनी भी अंतर नहीं आ सकता, आपको पकड़ में नहीं आएगा विज्ञान कई, और जिन आगम का पकड़ में आए या ना आए, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना है कि पता चला 1 लीटर नापते नापते वो 5-6 बूंदें बढ़ाते बढ़ाते और 1000 लीटर फ्री में दे दिया, ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए 1000 लीटर फ्री में नहीं जाता, जो गणनाएं दी हैं उसी के अनुसार यह सब कुछ चलता है। अब चलते हैं, द्वीप समुद्र समझ में आ गए, और अब तो कल्पना नहीं लग रही होगी आपको, ना तो द्वीप समुद्र कल्पनाएं लग रही होंगी, ना महामत्स की अवगाहनाएं कल्पना लग रही होंगी। और इसी से देखें तो हम जो भी उसमें भवन आदि के वर्णन आए हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के, चैत्यालयों की, इनकी गणनाएं योजनों में हैं। योजन मतलब किलोमीटर्स में भवन बन सकते हैं क्या? बिल्कुल। अभी आप कोई अच्छी जगह देख के आए, बड़ी सी कोई जगह बताएं जो सबसे बड़ी हो अभी, जिससे घूमने जाते हैं लोग, तो कह लें शायद अक्षरधाम बहुत बड़ा बना हुआ है, अभी बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, लेकिन कितना सा है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत बड़ा है। हम छोटे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है, हम बड़े हो जाएं तो छोटा लगने लग जाता है। तो ऐसे ही जब हमारे पास में क्षेत्र बहुत था, बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना थी, तो 1000 किलोमीटर बहुत छोटे थे। जैसे पहले यदि आपको ऋषभ मुंबई जाना हो तो बैलगाड़ी थी, तो मुंबई दूर था,
अभी तो प्लेन है, मुंबई पास है, मुंबई पास हो गया ना, मुंबई पास है कि मुंबई दूर है? बैलगाड़ी से जाना है या पैदल जाना है तो मुंबई दूर है ना, और जब आपको प्लेन से जाना है तो मुंबई मुंबई दूर हुआ कि पास हुआ? मुंबई तो वहीं था ना, दूर हुआ ना पास हुआ, लेकिन हम जब हमारे पास साधन नहीं थे तो वही दूर लगने लगा था। ऐसे ही जब मेरी बुद्धि छोटी थी तो ये गणनाएं बहुत बड़ी लग रही थी, और जैसे ही मेरी बुद्धि बड़ी हुई तो मुंबई पास हो गया, तब ये गणनाएं मुझे सामान्य लगने लग गई। समझ में आ रहा है शिखरचंद जी? अब ये बुद्धि में, क्योंकि यहां पर जाके जय कुमार जी जैन आलौकिक गणित और इन कर्णान योग के विषय में जाके लोगों की बुद्धि विस्मृत होने लगती है, अर्थात स्खलित होने लगती है कि ये कैसे संभव है। अब समझ में आ रहा है कितनी ऊंचाई पर आपको सोचना पड़ेगा तब आपको यह छोटा पैमाने ग्रहण हो पाएंगे, और सारी दुनिया इन्हीं पैमानों को आज भी मानक रूप में मानती है और उसी से गणनाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां हम लोग गए कि नहीं? हम लोग तो मनुष्यतर पर्वत तक गए, उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते, सत्य ना? अभी तो आप वहां भी नहीं जा सकते, अभी तो अभी बात करेंगे तो कहां तक जा सकते हैं आप, अभी कहां तक घूम रहे हैं वो भी अभी पता चलेगा अभी। लेकिन हम अनेक पर्यायों में, किन किन पर्यायों में इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में घूमने डेस्टिनेशन हॉलीडे के लिए गए हैं, इसी का नाम है ना डेस्टिनेशन हॉलीडे, दूर जाके थोड़ी देर छुट्टी मनाना। कितनी दिन की छुट्टी मनाई? तो बहुत लंबे समय की छुट्टी मनाई। तो अब यहां देख रहे हैं, एवं मुक्त लक्षणेषु असंख्य दीप समुद्रेषु व्यंतर देवानां पर्वतादि परिगता आवासा अधो भोग भाग गतानि भवनानि तथैव दीप समुद्रादि गतानि पुराणि च परमागम उक्त भिन्न लक्षणानि। अब जो ऊपर स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यात द्वीप समुद्र कहे, उस द्वीपों में, उन समुद्रों में, हाँ बहुत अच्छा डेस्टिनेशन होता है समुद्र के बीच में कोई लैंड हो, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे टापू, टापू हो और वहाँ पे, नहीं तो टापू नहीं है तो आजकल शिप, शिप में लोग महीनों महीनों घूमते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम घूम के आए हैं। देखिए कौन सी पर्याय में, लेकिन व्यंतर देवानाम, और हिल स्टेशन बहुत अच्छे लगते हैं, हिल स्टेशन पे अपना मकान हो तो कितना सुंदर लगता है। तो व्यंतर देवों के मकान कहाँ पर हैं? तो हिल स्टेशन, पर्वत आदि ऊपरी गता, तो पर्वतों पे कुछ लोगों को पसंद है तो उनको ऊपर वाले मकान बुकिंग हो जाएंगे, कुछ लोगों को समुद्री तटों के किनारे पसंद हैं तो वे, उनके आवास कहाँ मिले? तो अधोगत भूमि, तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में वो कहाँ पर रहेंगे, उनके घर कहाँ मिलेंगे उन्हें? सीधी सीधी बात है, मैंने कहा था बुकिंग अपने यहाँ से ही होती है, जिसको जो पसंद है वही। अभी जिसको यहाँ व्यंतर आदि के देवों के, तो वह वैसे भाव करता है, और उन भावों से जैसे जिसकी प्रीति जहाँ होती है वो स्थान उसको प्राप्त होते जाते हैं, ये भावों का खेल है। और भाव से भगवान नहीं देते, ये अपने आप प्रक्रिया कर्मबंध उस तरह का होता है, और उस भावों को प्राप्त, जैसे दूसरे की निंदा करो तो स्वयं की निंदा होती है क्योंकि वो ये अच्छा लगता है, तो आप दूसरे की करके क्या, अपने पास हो कितना अच्छा लगेगा? जितने लोग दूसरे का अपमान करते हैं वे अपमान के पात्र होते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं वे निंदा के पात्र होते हैं। क्यों? जो दूसरों के लिए तुम्हें अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, तो आपके पास वो चीज़ आएगी। जैसे दूसरे की चीज़ देखी ऋषभ, दूसरे की गाड़ी देखी, गाड़ी देखी तो गाड़ी आपके पास आएगी कि नहीं भविष्य में? अरे ये स्मार्टफोन अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो तुरंत खरीदते हो, ऐसे ही गाड़ी देखी तुरंत खरीदता है, या कोई भी सामग्री देखी मैं तुरंत खरीदते हैं। ऐसे ही जिनको दूसरों की निंदा दिख रही थी अर्थात वो पसंद आ रही थी तो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी भविष्य में, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसको आज तक भगवान नहीं दिखे, भगवान दिखे क्या, भगवान में प्रीति हुई क्या? जिनको भगवान दिखना प्रारंभ हो जाते हैं वे स्वयं भगवान बन जाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज जैसे ही दिखती है अपने पास आ जाती है। आज सुबह भी इस प्रक्रिया को हमने अलग तरीके से जाना था, अब समझ में आ रहा है?
शिखाचंद जी कैसी ये विद्या है, ये भावनाएं क्या कर रही हैं मेरे साथ में, मैंने जिन भावों को भाया वही मेरे को प्राप्त हुआ, इसलिए समुद्र के किनारे अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको समुद्र के किनारे मिलेंगे, वहीं घूमिए और व्यंतर के रूप में वहां आवास आपके हो सकते हैं कुछ अच्छा काम करने पे, लेकिन जेब में राशि भी होनी चाहिए। यानी भवनलाल जी हाँ, अगर घूमने जाना है तो पैसे भी चाहिए, तो पुण्य के पैसे जिसके पास होते हैं और घूमने की वही अभिलाषाएं होती हैं, तो बिल्कुल आपको समुद्र द्वीप, समुद्र और ये सब, और ये सब वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अधोगत भूमि भवानी तथेव द्वीप समुद्र आदि गतानी पुराणी चा, और द्वीप समुद्र आदि में भी परमागम परम आगम में उक्त, जो आगम ग्रंथों में और भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तिलोकसार, तिलोत्पन्नति आदि, इनमें भवनों की किन किन कौन कौन से विंतर, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, इनका लक्षण वहाँ से जानना चाहिए। तथेव खरभाग पंखभाग स्थित प्रतर संख्य प्रमाण असंख्य व्यंतर देवावासा। अब देखिए तथेव, अभी हमने देखा था पृथ्वियों को नीचे देखा था, जब हमने चित्रा पृथ्वी देखी थी, चित्रा पृथ्वी ऊपर, जो प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा में चित्रा पृथ्वी थी, उसके नीचे खर भाग था, नीचे पंख भाग था, फिर अब्बल बहु भाग था, खर भाग में भवनवासी जीव थे असुर जाति के जोड़ के, और वेंतर देव थे राक्षस को छोड़ के, और पंख भाग में नीचे वाले थोड़े और अच्छे लगते ना जिनको स्थान, तो और नीचे वाले में थे, तो वे राक्षस और असुर जाति के देव थे, वे कहाँ थे, पंख भाग में। तो यहाँ करें वहां पर कितने थे, उनको उनके अलावा भी क्या वेंतर आदि के निवास स्थान है, तो कहते हैं हाँ, खर भाग पंख भाग स्थित प्रतर संख्य, प्रतर संख्या कितनी संख्या, प्रतर असंख्यात प्रमाण, प्रतर का असंख्यात प्रमाण, संख्य असंख्य वेंतर देववासा। अब प्रतर क्या होता है, तो मैंने एक दिन आपको बताया था श्रेणी, श्रेणी क्या होती है, एक एक प्रदेश की पंक्ति, एक एक प्रदेश की ये पंक्ति खड़ी करते जाएं, खड़ी करते जाएं, तो जितने प्रदेश होंगे, कितनी बड़ी पंक्ति में, 14 राज्यों की पंक्ति में जितने प्रदेश होंगे उसका नाम होता है एक श्रेणी, 14 ऊपर से लेके नीचे तक 14 राज्यों प्रमाण में प्रदेशों की जितनी संख्या होगी, एक प्रदेश जिस पर सबसे छोटा परमाणु होता है उसका नाम प्रदेश होता है, उसकी पंक्ति लगा दीजिए नीचे से लेके 14 राज्यों तक, जिसमें एक राज्यों में अभी असंख्यात क्या देखे थे अपन ने, द्वीप समुद्र, ऐसे उसको तो बोलते हैं श्रेणी, और श्रेणी गुणित श्रेणी उसका नाम होता है प्रतर, श्रेणी गुणित श्रेणी वर्ग स्क्वायर बोलते हैं ना जिसे अपन, तो उसमें जितनी संख्या आएगी उसका नाम प्रतर, ऐसे प्रतर के असंख्यात, ऐसे प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ये सब कितने असंख्यात, उसका असंख्यातवा भाग, इतने वेंतर देवों के स्थान कहाँ कहाँ हैं, हिल स्टेशन पे और लैंड्स पर, समझ में आया, तो बहुत आसान है, कितने बड़े बड़े लैंड हो जाएंगे, देखो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहाँ वेंतर रहेंगे भी तो अपनी अपनी भूमियों पे खेलते रहे, कोई बड़े बड़े पुर बसे हुए हैं, नगर भी बसे हुए हैं, उनके नगर भी हैं वहाँ पर। तथेव द्वासप्तति लक्षाधिक कोटि सप्त प्रमित भवनवासी देव संबंधी भवानी अकृतिम जिन चैतल्य सहितानी भवंती। अब मजेदार ये बात है कि ऐसे व्यंतरों के अलावा वहां पर भवनवासी देव के भी मकान हैं, तो वो कैसे हैं, वे और 7,72,00,000 कितने 72 लाख संख्या के धारक भवनवासियों के भवन हैं, कितने 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन कहां बने हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र में बने हुए हैं, और वे सब अकृत्रिम जिन चैत्यालयों से सुशोभित हैं, अकृत्रिम अर्थात कृत्रिम नहीं, कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, जो हमेशा से हैं। अब पर्वत किसी ने बनाए क्या, ऐसे जिन बिंबों को कोई किसी ने नहीं बनाया, वे जैसे पर्वत की संरचना है वैसे वहाँ अकृत्रिम जिन बिंबों के भवन और ये अकृत्रिम चैत्यालय पूर्व से ही हमेशा से व्यवस्थित हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं। ऐसे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हर वेंतर और भवनवासी देवों के भवनों में हुआ करते हैं, हर भवनवासी और वेंतर देवों के, लेकिन
आपको जैसे मिल गया यहां पर, और इनको देवादिदेव की तरह नहीं पूजते और कुल देवता की तरह इनको पूजते हो, अथवा कुल देवताओं को पूजते हो इनको नहीं पूजते हो, तब ये सामान्य हो जाता है। इतना सब कुछ अकृत्रिम चैत्यालय देखने के बाद भी तुम्हें आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अकृत्रिम चिन्बिंबों के दर्शन अनेक बार किए लेकिन कुलदेव मान लिए। परंपरा से पूछते हैं कि मंदिर जाना है इसलिए जाते मिले, क्योंकि वहां तो भवन में यही मिलेगा, तो वहां पर आप फिर भी वहीं वहीं क्यों भटके, क्योंकि आज तक तुम्हें उनको देखकर देवादिदेव की महिमा नहीं आई और उनको अभिलाषाओं के लिए पूजते मिले, आकांक्षाओं के लिए पूजते मिले। आठ जो आपने निकांचित अंग आपके अंदर नहीं आया, आज भी नहीं आया, और आप अपनी ही प्रवृत्ति से उनके दर्शन हमारी पुष्टि करते हैं, भगवान तो हमारे भगवान, और ये भगवान में भी 13 पंक्ति और 20 पंक्ति लगा दिए, ये हमारे भगवान नहीं। अरे ज्ञानी, यही करते करते तो अकृत्रिम चैत्यालयों से लौट के तुम आ गए। वीतरागता का सद्भाव दिखा ही नहीं, और अवीतरागिता में भी हमें भगवत्ता दिखी, हमें सब सामान्य दिख रहे थे, वीतरागी प्रभु भी दिख रहे थे और वीतराग से रहित भी आज से नहीं दिख रहे हैं। इसी का नाम है अनादिकाल का मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। हमें जिन दर्शन अनेक बार मिला व्यंतर आदि पर्याय में, जिन भगवान के दर्शन मिले, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे, बिल्कुल नहीं सुधरे, इसलिए बेटा यहां तक है। बात समझ में आ रही है? ये बीच बीच में हम जो इन सब को पढ़ने का मूल उद्देश्य है वो समझते जाते हैं शांतिलाल जी, नहीं तो ऐसी तो हिस्ट्री की हिस्ट्री आपके कोर्सों में आई है और वहाँ पे पढ़ ली गई हैं, और इन लोगों ने, ये शास्त्री लोग बैठे हैं यहाँ पे कुछ, इन्होंने तैयारी अभी तक की थी एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब समझ में आएगा कि जिन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अब श्रद्धा नहीं हो पाई और शास्त्री कर ली, ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम अनेक अनेक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और बताने के लिए व्याख्यान भी कर देते हैं, लेकिन सब कुछ होने पर भी हमारी श्रद्धा उस पर व्यवस्थित नहीं हुई है। इसलिए मैंने आज आपको ये गणनाएं जो बताई हैं, अब आपको बहुत अच्छे से ये ज्ञात हो जाना चाहिए, जो भी वर्णन है इसमें कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती।